सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि SBI का लोगो अहमदाबाद के कांकरिया लेक से प्रेरित होकर बनाया गया था। अपने दावे के समर्थन में एक ट्विटर यूजर ने कांकरिया लेक की सैटेलाइट इमेज और SBI का लोगो एक साथ रखकर शेयर किया। साथ ही यूजर ने लिखा कि NID अहमदाबाद ने 1971 में ये लोगो बनाया था। हमने देखा कि ऐसा दावा कई सालों से किया जा रहा है और इसे बढ़ावा देने में कुछ मीडिया चैनल्स का भी हाथ है। न्यूज 18, दैनिक भास्कर और इनशॉर्ट्स जैसे न्यूज मीडिया आउटलेट्स ने भी इसी तरह का दावा करते हुए 2014 और 2016 में रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। इसके अलावा 19 फरवरी 2014 को देश गुजरात की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त SBI के CGM यानी मुख्य महाप्रबंधक ने भी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यही दावा किया था। लेकिन इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। गूगल पर कीवर्ड सर्च करने से ऑल्ट न्यूज को 2018 की द हिंदू बिजनेस लाइन की ये रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में SBI लोगो में आए बदलाव के बारे में बताया गया है। पहले ये लोगो बरगद के पेड़ से प्रेरित था, जो अब एक की होल की तरह दिखता है। आर्टिकल के मुताबिक अंग्रेजों ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1955 में SBI ने IBI की जगह ले ली और नए लोगों के रूप में गोल सिक्के पर बरगद का पेड़ जारी किया गया। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब वित्तीय समावेशन एक प्राथमिकता बन गया, तब SBI ने अपनी छवि में बदलाव लाने का फैसला किया। SBI ने बाद में ये काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को दे दिया। NID के पूर्व फैकल्टी महेंद्र पटेल ने द बिजनेस लाइन को बताया कि इस काम के लिए शेखर कामत और विकास सातव लेकर की 2 सदस्यीय डिजाइन टीम का गठन किया गया था। ताला और चाबी की तरह दिखने वाले मजबूत घेरे में एक कीहोल प्रतीक शेखर कामत का डिजाइन था। इसमें बैंक का मकसद दिखाया गया है कि संरक्षक SBI ग्राहक के पैसे को सुरक्षित रखेगा। SBI ने 1 अक्टूबर 1971 को यह नया लोगो अपनाया था। इसके अलावा ऑल्ट न्यूज को 2018 का एक फेसबुक वीडियो मिला। शेखर कामत ने स्क्रॉल को इंटरव्यू देते हुए सोशल मीडिया दावे का खंडन किया है। And look at it down. I had no idea, and I haven't really been that side at all. कुल मिलाकर सालों से ये गलत दावा किया जा रहा है कि SBI का लोगो कांकरिया लेक से प्रेरित है।